हेलो थ्री एंड फैमिली, तो कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब बढ़िया होंगे। तो काफ़ी सारे कमेंट्स मैंने आज रीड किए थे, जिसमें था कि चैप्टर को स्किप कर दो और 1500 से एक्सप्लेन करो। तो कुछ लोगों के कमेंट्स थे कि फास्ट एक्सप्लेन करो, तो कुछ लोगों के कमेंट थे कि मैं वो एक्सप्लेन करूँ पार्ट डिटेल में जहाँ पे जियोयान अपनी बेटी जियो जियो से मिलता है। तो आज हम इसी को एक्सप्लेन करेंगे और ये हमारा फास्ट एक्सप्लेनेशन वीडियो का सेकंड पार्ट होगा, जिसे हम काफ़ी ज़्यादा स्पीड के साथ एक्सप्लेन करेंगे। और आज के वीडियो में मैं कवर करूँगा क्यून मेडुसा और जियो जियो को, और आई होप कि मैं ट्राई करूँगा कि मैं इसी वीडियो में इसे कवर कर लूँ और मैं 1500 से नेक्स्ट वीडियो को स्टार्ट कर दूँगा। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं। मैं आपको बताते जाता हूँ क्योंकि आप सभी ने तो वीडियो देख ही लिया होगा। जियो जियो यान गुसेट से तो निकल गया था, इसके बाद जियोयान फॉलिंग स्टार पवेलियन पर जाएगा जहाँ वो अपने टीचर से मिलेगा। साथ ही साथ उसे वहाँ पे कुछ नए एल्डर्स भी देखेंगे। टीचर जियोयान को देखकर काफ़ी ज़्यादा खुश भी होंगे और वो उसकी तारीफ़ करेंगे क्योंकि जियोयान की पावर बढ़ गई है। फिर जियोयान टीचर से पूछता है कि आखिरकार लिटिल फेरी डॉक्टर और तियान वो जुंजे कहाँ पे गए हैं। तो टीचर जियोयान को बताते हैं कि सेंट्रल प्लेन्स का जो नॉर्थ वेस्ट एरिया है वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा उथल पुथल चल रही है, साथ ही साथ काफ़ी सारे फाइट भी हो रही हैं। अभी अभी वहाँ पे एक नया क्लेन बना है जिसे कहते हैं लायन क्लेन, और उसने आपके जियो क्लेन पे अटैक कर दिया है, सॉरी यान क्लेन पे। इसीलिए लिटिल फेरी डॉक्टर और तियान वो जो जे क्यून मेडुसा की हेल्प के लिए वहाँ पे गए हुए हैं। टीचर याओलाओ जियोयान को यहाँ पे ये भी बताते हैं कि आधे साल के भीतर ही लायन सेट ने नॉर्थ वेस्ट साइड का लगभग आधा हिस्सा अपने कब्जे में कर लिया है, जिसमें से कुछ यान अलायंस का भी हिस्सा था। जियोयान भी टीचर से पे यहाँ पे बोलेगा कि मैंने कभी भी ये लायन सेक्ट के बारे में कहीं भी नहीं सुना था। तो टीचर जियोयान को बताएंगे कि ये अभी अभी कुछ ही टाइम पहले क्रिएट हुआ है और इसमें काफ़ी ज़्यादा पावरफुल वॉरियर्स भी हैं और काफ़ी सारे पावरफुल एल्डर्स हैं जिनकी पावर अचानक ही बढ़ गई है। जिस पे जियोयान टीचर की तरफ देखते हुए बोलेगा कि क्या आपको लगता है कि इसमें हॉल ऑफ सोल का भी हाथ है? जिस पे टीचर बोलेंगे कि हाँ, मुझे लगता है कि हॉल ऑफ सोल ने उनकी हेल्प की है। इसके बाद टीचर यावला और जियोयान काफ़ी सारी बातें करेंगे कि हॉल ऑफ सोल आखिरकार ऐसा क्यों करेगा। तो टीचर उसे बताएंगे कि वो सभी लोग स्पिरिचुअल बॉडीज़ को कलेक्ट कर रहे हैं और इसीलिए वो ये सब करवा रहे हैं। साथ ही साथ टीचर ये भी कहेंगे कि हुनसेक्ट आखिरकार करने क्या वाला है ये हमें अभी कुछ भी नहीं पता है। जब जियोयान को भी ये पता चलेगा कि यान सेक्ट में इतना बड़ा खतरा आ गया है, तो जियोयान भी वहाँ जाने के लिए काफ़ी ज़्यादा जल्दी करता है। इसके बाद टीचर बताते हैं कि किंग लैन भी अपने क्लेन में वापस चली गई है क्योंकि स्काई सरपेंट मैंसन में भी काफ़ी ज़्यादा उतार चढ़ाव आए हुए हैं। अब तक जियोयान भी काफ़ी ज़्यादा नाराज़ होता है क्योंकि हॉल ऑफ सोल अपनी प्रॉब्लम्स को क्रिएट करना बंद नहीं करता था। तभी वो बोलता है कि टीचर मुझे वहाँ पे जाना चाहिए क्योंकि जियो जुआन ने अभी अभी तो जियोयान को पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटीज दी थी, इसीलिए जियोयान के लिए तो अपने क्लेन को बचाना काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट था। तभी टीचर भी कहेंगे हाँ हाँ आपको वहाँ जाना चाहिए और आपके साथ मैं कुछ एल्डर्स को भी भेजूंगा जो कि 3 स्टार डूजूंस लेवल से ऊपर के होंगे और काफ़ी ज़्यादा पावरफुल होंगे। साथ ही साथ मैं अपने फॉलिंग स्टार पवेलियन के भी कुछ एल्डर्स को आपके साथ भेजूंगा जो कि 5 स्टार डूजून लेवल के होंगे। इसके बाद टीचर यावलाओ जियोयान से कहेंगे कि अभी डेमोनिक लोटस कोर फ्रेम के बारे में आपको सोचना बंद कर देना चाहिए क्योंकि अभी उसके लिए काफ़ी ज़्यादा टाइम है, लेकिन आपको ट्रेड फेयर के स्टार्ट होने से पहले आना होगा और इसके लिए आपको काफ़ी ज़्यादा जल्दी भी करनी होगी। फिर वो बताते हैं कि हम लोग यहाँ पे एक वॉर्म होल क्रिएट कर रहे हैं और वो कुछ ही टाइम पे बन जाएगा, तो आप उसका यूज़ करके यहाँ से जियो क्लेन की तरफ जा सकते हैं, सॉरी यान क्लेन की तरफ। साथ ही साथ टीचर कहते हैं कि ये वार्म होल यान क्लेन को फॉलिंग स्टार पवेलियन से जोड़ देगा, जिसके बाद हम फ्यूचर में एक दूसरे की हेल्प कर पाएंगे। इसके बाद टीचर जियो यान को आराम करने के लिए भेज देते हैं। इसके बाद जियो यान टीचर को याओ क्लेन का वो टोकन देगा जो कि उसे उस लड़के ने दिया था, जिसके बाद टीचर काफ़ी ज़्यादा घबरा जाएंगे, लेकिन उस बात को वो तुरंत ही डिनाई करेंगे और कहेंगे कि हम इसे फ्यूचर पे देखेंगे, और इसके बाद वो जियान की हेल्प के लिए चले जाएंगे। इसके बाद जियान अपने रूम पे आ जाएगा और वहाँ पे यही सोचेगा कि मैं काफ़ी टाइम से जियाम एम्पायर से दूर हूँ। इसके बाद वो क्यून मेडुसा को याद करेगा और कहेगा कि लगता है मैं अब तक बाप बन गया हूँ, मतलब मैं अब तक फादर बन गया हूँ, क्योंकि जियान को आए हुए यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा टाइम हो गया था और क्यून मेडुसा अब तक माँ बन चुकी होगी, जियान यही सोच रहा था। इसके बाद जियान काफ़ी दिन तक फॉलिंग स्टार पवेलियन में ही रेस्ट करता है और कुछ डिसाइबल्स को वो गाइड भी करता है। ऐसे ही 3 दिन निकल जाते हैं और फॉलिंग स्टार पवेलियन में जो वॉर्म होल बन रहा था वो भी काफ़ी हद तक क्रिएट हो गया था, साथ ही साथ वहाँ पे कुछ पावरफुल एल्डर भी आ गए थे। इसके बाद जियान ट्रेनिंग ग्राउंड में कुछ स्टूडेंट को
कुछ स्किल सिखा रहा था, साथ ही साथ उन्हें गाइड भी कर रहा था। तभी वहाँ पे एक लड़की जिसका नाम युकान होता है, वो जियान को ही देखती रहती है। तभी उसकी सहेली उसे चिढ़ाते हुए कहती है कि क्या आपको जूनियर पवेलियन चीफ पसंद तो नहीं आ गए, जिस पर वो उसे डांटते हुए कहती है कि क्या बकवास कर रही हो। साथ ही साथ उसका फेस इंप्रेशन भी काफ़ी ज़्यादा शर्मा जाते हैं और वो उसका चेहरा भी लाल हो जाता है। फिर जियान उसे बुलाएगा और उसे अपने डिसाइबल बनने के लिए भी कहेगा। साथ ही साथ वो उसे कहेगा कि आप अपनी स्किल्स को शो करो, जिसके कारण वो जियान पे एक अटैक करेगी जो कि उसने अभी अभी सीखा था अपनी डू स्किल से। जियान जैसे ही उसे उसकी कमियां बताएगा तो तुरंत ही कुछ ही मिनटों में उन कमियों को सुधार के वापस से एक पावरफुल अटैक करेगी, जिससे जियान काफ़ी ज़्यादा इंप्रेस होता है और उसे अपने डिसाइबल बनने के लिए भी कहेगा, क्योंकि उसे पता था कि ये काफ़ी ज़्यादा टैलेंटेड है, आगे चल के इसका नाम काफ़ी ज़्यादा ऊपर तक जाएगा। तभी वो कहती है कि मैं सिर्फ आपके इन नाम के वजह से आपका डिसाइबल बनना चाहती हूँ। जुयान के टीचर याओ लाओ ने भी काफ़ी बार इस लड़की की तारीफ की थी और उन्होंने इसे खुद ही मेंशन किया था कि जुयान इसे अपने डिसाइबल के रूप में एक्सेप्ट करे, क्योंकि टीचर याओ लाओ चाहते थे कि उनका सिर्फ एक ही डिसाइबल रहे जो कि जियोयान है। हालांकि टीचर जियोयान की बेटी जियो जियो को भी टीच करेंगे आगे चल के। साथ ही साथ ये लड़की जो कि अभी 17 साल की ही थी डूवांग क्लास में पहुंच गई थी। जियान जब उसकी बात सुनता है कि वो सिर्फ उसके नाम के लिए उसके डिसाइबल बनना चाहती, तो जियान खांसते हुए सोचता है कि इस डुइक्यू कॉन्टिनेंट में कितने सारे स्टूडेंट होंगे जो कि मेरा डिसाइबल बनना चाहते हैं, लेकिन ये लड़की जिसे मैं अपना डिसाइबल बनाना चाहता हूँ सिर्फ नाम के लिए, मेरा नाम यूज करने के लिए मेरी डिसाइबल बनना चाहती है। जियान भी स्माइल करके कह देता है जैसा तुम चाहो वैसा ही, ये तुम पे डिपेंड करता है। हालांकि जियान अपने दिल में सोचता है कि अगर उसे पता होता कि ये ऐसा कुछ कहेगी तो जियान कभी इससे पूछता ही नहीं कि तुम मेरे डिसाइबल बनोगे या नहीं। इसके बाद जियान टीचर के पास जाता है तो टीचर से पूछता है कि क्या वर्महोल बन गया, जिस पर टीचर कहते हैं कि हाँ, वर्महोल क्रिएट हो चुका है। इसके बाद जियो यानी युकान को कहेगा कि मैं अभी कुछ टाइम के लिए बाहर जा रहा हूँ, इसलिए तुम्हें दूसरे टीचर के साथ अपनी स्टडी को आगे बढ़ाना होगा। जिस पर वो बोलती है कि ठीक है जूनियर पवेलियन चीफ, तो जियान उससे कहेगा कि नहीं, अब तो मुझे इस तरीके से नहीं बुला सकती हो। तो वो माफ़ी मांगते हुए बोलेगी जैसी आपकी मर्जी टीचर। इसके बाद जियान उसके सिर पे हाथ फेरते हुए कहेगा कि तुम्हें अब जाना चाहिए। तो वो थोड़ा दूर जाएगी और इसके बाद जियान को मुड़कर देखेगी और कहेगी कि मैं जूनियर पवेलियन की अब डिसाइबल बन गई हूँ, इसीलिए फ्यूचर में मेरे लिए ये चांस बहुत कम होगा। फिर वो कहेगी नहीं, मैं तो सिर्फ नाम की डिसाइबल हूँ, अभी भी काफ़ी ज़्यादा चांसेस है, मुझे हार नहीं मानना चाहिए। सिंपल सी बात है, मतलब इसे भी जियान पसंद आ गया था आई थिंक। इसके बाद जियान टीचर के पास जाएगा तो टीचर से पूछेगा कि क्या हम सक्सेसफुल रहे, तो जियान को टीचर बताएंगे कि हाँ वर्महोल क्रिएट हो गया है। इसके बाद वो उनसे बोलेंगे कि क्या तुम उस छोटी सी लड़की से मिले हो, तो जिसपे जियान बताएगा कि हाँ, और इसके बाद उन्हें पूरी कहानी सुनाएगा जिसपे टीचर भी काफ़ी ज़्यादा हंसेंगे। इसके बाद जियान काफ़ी ज़्यादा सीरियस होते हुए टीचर से पूछेगा तो आखिरकार अब मैं कब निकल रहा हूँ, जिसपे टीचर जियान को बताएंगे कि वर्महोल तो क्रिएट हो गया है लेकिन अभी भी ये स्टेबल नहीं है, इसलिए तुम्हें कुछ और दिन वेट करना होगा और तब तक हम कुछ हेल्पर्स को भी ढूंढ लेंगे जो कि तुम्हारे साथ लाइन सेक्स से फाइट करने के लिए जाएंगे, क्योंकि मुझे लगता है उनके साथ हॉल ऑफ सोल के भी कुछ पावरफुल मेंबर होंगे, इसीलिए आपको भी अपने लाइनअप को पावरफुल करके जाना चाहिए यहाँ से। जिस पे जियान टीचर से पूछेगा कि आखिरकार हम कैसे हेल्पर्स को क्रिएट करेंगे, तो टीचर स्माइल करते हुए कहेंगे कि तुम भूल गए क्या कि मैं एक एल्केमिस्ट हूँ और एल्केमिस्ट के पास सबसे बड़ा हथियार उसकी पिल होती है, इसीलिए मैं उन्हें ऐसा ऑफर दूंगा कि वो उसे रिजेक्ट ही नहीं कर पाएंगे। इसके बाद जियान को टीचर बताएंगे कि जो भी हेल्पर जाएंगे वो सभी डूजोन लेवल के 3rd स्टार से ऊपर के होंगे, और वो जब हमारी हेल्प करेंगे तो मैं उन्हें 8 रैंक की 3rd लेवल की पिल दूंगा जो कि काफ़ी ज़्यादा पावरफुल है, इसीलिए वो ज़रूर हमारी हेल्प करने के लिए आएंगे। जिस पे जियान टीचर से क्वेश्चन करेगा कि अगर 20 से 30 लोग आए तो टीयर 8 की एक पिल काफ़ी ज़्यादा बड़ा सौदा नहीं होगा, जिस पर टीचर जियान को बोलेंगे कि कोई भी प्रॉब्लम नहीं है मुझे, अगर कोई टीयर 9 की पिल की डिमांड नहीं करता है तो टीयर 8 की पिल तो मैं काफ़ी इजीली बना लूँगा। जिसके बाद जियान वापस से चला जाएगा और बोलेगा ठीक है मैं कुछ दिन वेट करूँगा। इसके बाद कुछ दिनों के अंदर ही फॉलिंग स्टार पवेलियन में काफ़ी सारे एल्डर्स आते हैं जो कि काफ़ी ज़्यादा पावरफुल भी थे और याओ लाओ उन्हें खुद चूज़ कर रहे थे कि कौन जियान के साथ जाएगा। टीचर यहाँ पे 20 लोगों को चूज़ करते हैं जिनकी पावर 3 स्टार डूजून से ज़्यादा होती है, साथ ही साथ उसमें से 3 लोग ऐसे होते हैं जिनकी पावर 8 स्टार डूजून लेवल तक होती है और वो जियान से बस थोड़ा ही वीक होते हैं। इसके बाद वो पूरा ग्रुप वापस से वर्महोल के पास खड़ा हो जाता है, जहाँ पे जियान उन सभी से कहता है कि मुझे लगता है कि आप लोगों को यहाँ पे आने का मोटिव तो पता ही होगा।
और मैं ये विश्वास कर सकता हूँ आपके ऊपर कि आप हमारी हेल्प करेंगे, जिसमें वो ग्रुप के सभी लोग एक साथ बोलेंगे कि जूनियर जूनियर पवेलियन चीफ निश्चिंत रहें, हम उनकी पूरी हेल्प करेंगे जितनी हम कर सकते हैं। उन्होंने काफ़ी ज़्यादा सॉफ्ट तरीके से जोयन से बात की थी, क्योंकि उन्हें पता था कि जोयन काफ़ी ज़्यादा पावरफुल है भले ही वो उनसे उम्र में छोटा है। तभी अचानक एक एल्डर जोयन से बोलेंगे कि जूनियर पवेलियन चीफ, आप बिल्कुल भी निश्चिंत रहिए, क्योंकि हमें यहाँ पे मिस्टर यावलाओ ने बुलाया है, इसीलिए हम यहाँ पे आपको बीच में ही धोखा नहीं देंगे, क्योंकि आखिरकार मेरे नाम और मेरी रिस्पेक्ट की भी तो सवाल है। जिस पे जुआन बोलेगा कि मैं एल्डर हूँ को इसके लिए धन्यवाद कहता हूँ। जुआन फील कर सकता था कि इस ग्रुप में सबसे ज़्यादा पावरफुल एल्डर हु ही हैं। इसके बाद जुआन कहता है कि अब हमें चलना चाहिए, और फिर वो टीचर को ग्रीट करता है। तभी टीचर 10 और लोगों की तरफ इशारा करते हैं जो कि फॉलिंग स्टार पवेलियन के थे। जुआन ये देखकर काफ़ी ज़्यादा शॉक्ड हो जाएगा कि टीचर यावलाओ फॉलिंग स्टार पवेलियन की आधी पावर उसके साथ भेज रहे हैं। इसका मतलब आप समझ सकते हैं कि जुआन उनके लिए कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखता है। मतलब अब तक जुआन का ग्रुप 30 लोगों का ग्रुप हो गया था, और इस लाइनअप को देखते हुए मैं ये कह सकता हूँ कि काफ़ी बड़े बड़े सेक्ट जो कि काफ़ी ज़्यादा पावरफुल है वो भी इनके साथ फाइट करना नहीं चाहेंगे। यहाँ तक कि अगर वहाँ पे लायन सेक्ट या हॉल ऑफ सोल भी हुआ तो वो भी ये फाइट जुआन से नहीं जीत पाएगा। टीचर यावलाओ बार्महोल को एक्टिवेट कर देंगे। इसके बाद जुआन से बोलेंगे कि बार्महोल की दूसरी साइड अभी भी बनी नहीं है, इसीलिए आपको पहले कोई अच्छी सी सिक्योर जगह को देखना है और उसके बाद इसे पूरी तरीके से क्रिएट करना है। और इसके बाद वो जुआन को एक बार में स्क्रॉल दे देंगे, जिससे कि हेल्प से जुआन उसे क्रिएट कर पाएगा। जुआन उसे अपनी स्टोरेज रिंग में रख लेगा और कहेगा कि चलिए चलते हैं। और इसके बाद पूरा ग्रुप वार्महोल के अंदर चला जाएगा, और जुआन बोलेगा जियामा एम्पायर, बड़े भाई, दूसरे भाई और क्यून मेडूसा मतलब कैलिन, मैं आ रहा हूँ, मेरा वेट करना। इसके बाद हमें हरी भरी पहाड़ियाँ और एक मैदान दिखाया जाता है जहाँ पे वार्महोल का दूसरा ओपन होता है गेट, और उससे 30 लोग निकलते हैं जो कि जुआन का ही ग्रुप होता है। तभी एल्डर हु जुआन से पूछते हैं कि क्या हम नॉर्थ वेस्ट साइड पे आ गए हैं, क्या यहीं पे यान अलायंस है, जिसे देखकर जुआन भी काफ़ी ज़्यादा शॉक्ड होता है, क्योंकि उसे भी समझ में नहीं आ रहा था कि आखिरकार हम आ कहाँ गए हैं। तभी एक एल्डर अपने स्टोरेज रिंग से एक मैप निकालता है और जुआन को बताता है कि अभी हम जहाँ पे खड़े हुए हैं वो प्रोफाइन लायन सेक्ट और यान सेक्ट के बीच के एग्रीमेंट वाली ज़मीन है, और यहाँ पे किसी का भी कब्जा नहीं है। हालांकि अब इसे लायन सेक्ट ने अपने सेक्ट में मिला लिया है, इसीलिए इसे लायन सेक्ट की प्रायोरिटी माना जा सकता है। इसके बाद वो जुआन को बताएगा कि आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ पे लायन सेक्ट का कोई भी एल्डर नहीं है, वो सभी तो इस समय यान सेक्ट के आसपास के बॉर्डर पे लगे हुए हैं, क्योंकि उनकी फाइट चल रही है आपस में। इसके बाद वो बताता है कि अगर हम साउथ वेस्ट साइड की तरफ बढ़ते हैं तो हमें यान अलायंस तक पहुंच जाना चाहिए। जुआन को पता था कि उसके ग्रुप में 30 डूजून लेवल के वॉरियर थे और ये लाइनअप काफ़ी ज़्यादा पावरफुल था, तो हॉल ऑफ सोल और लायन सेक्ट अगर एक साथ भी फाइट करने के लिए वहाँ पे आ जाएं तो भी उन्हें कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली थी। जुआन का ग्रुप काफ़ी स्पीड के साथ साउथ वेस्ट साइड की तरफ जाने लगता है, क्योंकि वहीं साइड पे अलायंस था। तभी जुआन को काफ़ी सारी न्यूज़ भी मिलती है कि यान अलायंस काफ़ी ज़्यादा स्पीड के साथ सिकुड़ता जा रहा है, और अभी यान अलायंस के सारे मेंबर्स मिस्टीरियस येलो फोर्ट के अंदर हैं, जो कि जुआन के लिए काफ़ी ज़्यादा यान सेक्ट के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट था, क्योंकि अगर ये फोर्ट टूट जाता है और इसे लायन सेक्ट जीत लेता है तो 1000 किलोमीटर के अंदर जुआन का जितना भी एरिया है यान क्लेन का, उसमें दूसरी सुरक्षा के लिए फिर कोई भी जगह नहीं थी, इसीलिए यह काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंस माना जा सकता है यान सेक्ट के लिए। उसी येलो फोर्ट के अंदर यान सेक्ट के मेंबर और कुछ अदर सेक्ट के मेंबर थे जो कि प्रोफाउंड लायन सेक्ट से काफ़ी ज़्यादा परेशान हो गए थे, और इसीलिए उन्होंने टाइप कर लिया था जुआन के सेक्ट के साथ। हालांकि हॉल ऑफ सोल की मदद मिल जाने के कारण लायन सेक्ट काफ़ी ज़्यादा पावरफुल हो गया था और उन्हें हरा पाना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल था, इसीलिए अभी तक जो भी नुकसान में था वो था यान अलायंस। तो अब मैं यहाँ से थोड़ा सा डिटेल में एक्सप्लेन करूँगा, क्योंकि यहीं से फाइट स्टार्ट होने वाली है। तो आई होप कि ये वीडियो आपको पसंद आएगा, तो आप इस एंजॉय करिए फाइट को। हमें मिस्टीरियस येलो फोर्ट दिखाया जाता है जिसके अंदर काफ़ी सारे एल्डर्स बैठे हुए थे, और चीफ की सीट में बैठी हुई थी वो थी क्यून मेडूसा, जिसका ईगो और एटीट्यूड आज भी वैसा ही था जैसा कि जुआन से मिलने से पहले था। हालांकि वो काफ़ी ज़्यादा थकी हुई भी लग रही थी, ऐसा लग रहा था कि इस फाइट ने उसे काफ़ी ज़्यादा थका दिया है। क्यून मेडूसा कहती है कि अभी जो लैंड सेक्ट ने हम पर अटैक किया था वो हम पे प्रेशर बनाने के लिए किया था, वो सिर्फ हमारी पावर को टेस्ट करना चाहते थे, और मुझे लगता है कि 3 दिनों के भीतर ही वो हम पे अटैक कर देंगे।
इसके बाद वो हॉल पे देखती हैं जहाँ पे कई जाने पहचाने चेहरे थे, जिसमें से हाई बोडोंग थे, पिलकिंगू है, फामा। साथ ही साथ इन सभी की पावर भी काफ़ी ज़्यादा हाई लेवल की लग रही थी, मतलब कि इनकी पावर में कुछ ना कुछ तो सुधार हुआ ही था। तभी व्हील चेयर में बैठे हुए जुयान के फर्स्ट ब्रदर कहते हैं कि लाइन सेट की पावर काफ़ी ज़्यादा है और उनके पास काफ़ी ज़्यादा डूजून लेवल के वॉरियर्स हैं, इसीलिए अगर हम आमने सामने की फाइट करते हैं तो हम उनके लिए कोई भी मैच नहीं होंगे। ये जियोडिंग था जो कि काफ़ी ज़्यादा निराश था, क्योंकि उसे पता था कि यान अलायंस इस बार सच में काफ़ी बड़े पावर में पड़ चुका है, प्रॉब्लम में पड़ चुका है। तभी जियोली कहता है कि चलो चलते हैं, बाहर चलकर हम फाइट करते हैं, क्योंकि अगर हम आगे नहीं बढ़ सकते तो हम पीछे भी नहीं हट सकते, इसीलिए हम अंत तक फाइट करेंगे, जो होगा वो देखा जाएगा। जियोडिंग कहता है कि आखिरकार यान अलायंस का ऐसा टाइम नहीं आएगा, वो बहुत दूर है। और इसके बाद वो लिटिल फेरी डॉक्टर की तरफ देखता है और कहता है कि मुझे लगता है कि तीसरा ब्रदर काफ़ी जल्दी आएगा। जियो यान का नाम सुनते ही सभी लोग काफ़ी ज़्यादा बातें करने लगते हैं, और अब तक जियो यान का नाम सुनने के बाद क्यून मेडुसा भी काफ़ी ज़्यादा घबरा सी गई थी और उसके फेस इंप्रेशन भी काफ़ी ज़्यादा चेंज हो गए थे। उसके फेस इंप्रेशन देख के कोई भी रीड कर सकता था कि क्यून मेडुसा ने जियो यान का काफ़ी वेट किया है। हालांकि पुराने लोगों को अगर छोड़ दिया जाए तो जो भी नए लोग यान सेक्ट में जुड़े हुए थे उन्हें नहीं पता था कि जियोयान कौन है, सिर्फ उन्हें ये नाम पता था कि ये यान अलायंस को स्टेबल करने वाले इंसान का नाम था। हालांकि उन्होंने जियोयान के बारे में काफ़ी सारे ह्यूमर्स और हाई फाई बातें सुनी हुई थी, लेकिन उन्हें नहीं पता था कि ये कितनी सच्ची और कितनी झूठी हैं। जियोडिंग की बात सुनकर जियोली भी अपनी छाती को चौड़ी कर लेता है, क्योंकि उसे भरोसा था कि जियोयान यहाँ पर बहुत जल्दी आएगा, जैसे ही उसे पता चलेगा कि उसका यान सेट खतरे पर है। इसके बाद सीन शिफ्ट होता दिखाया जाता है जहाँ पे आसमान में काफ़ी सारी ब्लैक कलर की ह्यूमन फिगर्स दौड़ती हुई दिखाई दे रही थी, और ये जियो यान का ग्रुप होता है, जिसमें से एक एल्डर कहते हैं कि हमें शाम तक यान सेक्ट के आसपास पहुँच जाना चाहिए। जिस पे भी जियो यान स्माइल करते हुए अपने ग्रुप को देखता है जो कि काफ़ी ज़्यादा पावरफुल था। हालाँकि ये सेंट्रल प्लेस में पावरफुल ना माना जाए, लेकिन आखिरकार नॉर्थ वेस्ट में यह काफ़ी पावरफुल लाइनअप था। तभी वो व्हाइट कपड़े पहने हुए एक एल्डर जियोयान को बताते हैं कि मुझे जो चीज़ें पता चली हैं उसके हिसाब से प्रोफाउंड लाइन सेक्ट के पास और हॉल ऑफ सोल की पावर को मिला दिया जाए तो टोटल 30+ डूजूंस लेवल के वॉरियर हैं, जबकि आपके जियो क्लेन के पास या कि यान क्लेन के पास सिर्फ 10 डूजून लेवल के वॉरियर हैं। उनकी बात सुनकर जियोयान काफ़ी ज़्यादा सीरियस हो जाता है, क्योंकि 30 डूजून प्लस वॉरियर काफ़ी ज़्यादा पावरफुल माने जा सकते हैं। जियो यान को पता था कि यान अलायंस में जो सबसे ज़्यादा पावरफुल वॉरियर थी वो थी कैलिन, जो कि 4-स्टार या 5-स्टार डूजून लेवल की थी, डूजोंग लेवल की थी जब जियो यान उसे छोड़ कर गया था। इसीलिए जियो यान को ये पता था कि अगर उसने काफ़ी अच्छा तरीके से कल्टीवेशन किया होगा तो वो अब तक डूजून लेवल तक पहुँच गई होगी। साथ ही साथ उसके पास हेवन स्वेलिंग पाइथन की ब्लड लाइन भी थी जो कि काफ़ी ज़्यादा पावरफुल थी। जियोयान को पता था कि कैलिन काफ़ी ज़्यादा पावरफुल है, लेकिन उसके लिए इतने सारे वॉरियर से एक साथ फाइट करना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल होगा, इसीलिए जियोयान काफ़ी ज़्यादा टेंशन में भी था। जियोयान एल्डर से पूछता है कि डूजून लेवल के 6-स्टार के वॉरियर्स उनके पास कितने हैं जो कि 6-स्टार या उससे प्लस पे हैं, तो एल्डर जियोयान को बताते हैं कि ये 8+ होने चाहिए, जबकि उनमें से 4 तो 8-स्टार डूजून लेवल पर भी पहुँच गए हैं। जबकि एल्डर जियोयान से कहते हैं कि हमें नहीं पता कि हॉल ऑफ सोल ने जो एल्डर्स भेजे हैं वो कितने ज़्यादा पावरफुल हैं, जिस पर जियोयान उन्हें कहता है कि आपका बहुत बहुत धन्यवाद। इसके बाद हमें मिस्टीरियस येलो फोर्ट का सीन दिखाया जाता है, जहाँ के 50 किलोमीटर दूर के आसमान में अचानक काले बादल छा जाते हैं जिसमें कि काफ़ी सारी ह्यूमन फिगर्स थी। यान अलायंस के मेम्बर उन लोगों को देख रहे थे और वो काफ़ी ज़्यादा सीरियस भी दिखाई दे रहे थे। तभी वहाँ पे रेड कलर के कपड़े पहने हुए क्यून मेडुसा पेयर होती है जो कि काफ़ी ज़्यादा सुंदर लग रही थी, और वो उस तरफ देखते हुए कहती है कि क्या अंत में वो हम पे अटैक करने वाले हैं। साथ ही साथ अब तक क्यून मेडुसा काफ़ी ज़्यादा सीरियस भी हो गई थी और वो थोड़ा सा सैड भी थी। तभी अचानक से पीछे से आवाज़ आती है कि कैलिन आपको जियो जियो को लेकर यहाँ से चला जाना चाहिए, तब तक हम उन्हें ब्लॉक करते हैं। और ये जियोडिंग की वॉइस होती है जो कि अपने व्हील चेयर में बैठ कर उस काले कोहरे को देखते हुए ये कह रहा था। तभी जियोली भी कहता है कि ये तीसरे भाई का बच्चा है और इसे कुछ भी नहीं होना चाहिए, अब तक वो भी काफ़ी ज़्यादा सीरियस हो गया था। उनकी बात सुनकर कैलिन उस बच्चे की तरफ देखती है जिसने व्हाइट कलर के कपड़े पहने हुए थे और उसके माथे पे 7 कलर के सांप का चिन्ह भी बना हुआ था, और वो काफ़ी ज़्यादा क्यूट और पावरफुल भी लग रही थी।
साथ ही साथ वो काफ़ी ज़्यादा डरी हुई भी लग रही थी। साथ ही साथ उसकी उम्र 4 से 5 साल लग रही थी। कैलिन जैसे ही उसको देखती है तो तुरंत वो अपने घुटनों के बल बैठकर उसे पकड़ लेती है। हालांकि जियो जियो ने अंदाज़ा लगा लिया था कि यहाँ पे जो कुछ भी हो रहा है वो गलत है, लेकिन वो अभी तक रोई नहीं थी और वो अपनी मम्मी को गले लगा कर कहती है, मम्मी आपको डरने की ज़रूरत नहीं है, अंकल ने कहा था कि पापा लौट आएंगे, पापा आ जाएंगे, आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। क्यून मेडुसा उसकी बात सुनकर अपना मुंह दाईं ओर मोड़ लेती है और काफ़ी ज़्यादा नाराज़ होती है और इसके बाद लिटिल फेरी की तरफ देखते हुए कहती है कि क्या वो सच में आएगा, जिस पर लिटिल फेरी डॉक्टर उसे कुछ कैलकुलेशन करके बताती है कि उसे आधे साल के भीतर हेवनली टॉम से बाहर आ जाना चाहिए था। मुझे लगता है कि वो फॉलिंग स्टार पवेलियन में पहुँच चुका होगा और अब तक तो वो वहाँ से निकल भी चुका होगा। जिस पर क्यून मेडुसा कोई भी आंसर नहीं देती है और अपनी पलकें झपकाते हुए जियो जियो के सिर पे हाथ फेरती है और इसके बाद वो लिटिल फेरी को जियो जियो को देते हुए कहती है कि अगर कोई प्रॉब्लम आती है और हम लोग हार जाते हैं तो तुम्हें जियो जियो को लेकर यहाँ से भाग जाना चाहिए। अगर इसे कुछ भी होता है तो मैं जियोयान को कभी भी माफ़ नहीं करूँगी, भले ही मैं क्यों मर ना जाऊँ। उसकी बात सुनकर लिटिल फेरी डॉक्टर भी काफ़ी ज़्यादा शॉक्ड हो जाती है। उसे तो क्यून मेडुसा के बारे में पहले से ही पता था कि आखिरकार इसका नेचर कैसा है, तो अगर आज कुछ भी गलत होता है तो वो वही करेगी जो उसने कहा है। तभी अचानक से जियोडिंग कहता है कि कैलिन आपने इन सालों में जियो कबीले के लिए और यान सेक्ट के लिए काफ़ी कुछ सेक्रीफाइसेस किए हैं, तो जैसे ही जियो यान आता है और अगर हम ये फाइट जीत जाते हैं तो मैं जियो कबीले में आपकी और जियो यान की मैरिज कर दूंगा। जियोडिंग ने ऑब्जर्व किया था कि इन सालों में क्यून मेडुसा ने काफ़ी बड़ी मेहनत की थी, क्योंकि जियो यान ने तो यान अलायंस को क्रिएट कर दिया था लेकिन उसे इस्टेब्लिश क्यून मेडुसा ने किया था और ये काफ़ी बड़ा बोझ था क्योंकि वो एक लड़की थी, साथ ही साथ वो एक माँ भी बन गई थी। इसीलिए जियोडिंग ने उसके काफ़ी सारे स्ट्रगल्स को देखा था और उसने फील किया था कि क्यून मेडुसा ने अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को कभी भी छोड़ा नहीं था। उसकी बात का सपोर्ट करते हुए जियोलिंग भी कहता है कि हाँ भाई आपने सही कहा और हम अब ऐसा ही करेंगे और हम इस बार अपनी भाभी का ही साथ देंगे चाहे कुछ भी हो। उनकी बात सुनकर क्यून मेडुसा कहती है कि बात बाद में करेंगे, पहले आइए इस प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। क्यून मेडुसा यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा सीरियस थी और साथ ही साथ वो स्नेक ट्राइब की आखिरकार क्वीन थी और उसकी स्नेक ट्राइब पे एक रूल था कि अगर क्वीन मेडुसा किसी से शादी नहीं करती तब तक तो चीज़ें ठीक थी, लेकिन अगर एक बार वो किसी से प्यार कर लेती है तो एट द एंड लाइफ तक वो उसके साथ वफादार रहती है और साथ ही साथ वो कभी भी उसे धोखा नहीं देती और हमेशा अपनी हेल्प करती है, क्योंकि यही मेडुसा ब्लड लाइन की एक परंपरा कह सकते हैं आप थी। इसीलिए कैलिन को पता था कि वो जियोयान को तो अब कभी भी भूल नहीं पाएगी, चाहे वो मर ही क्यों ना जाए, आखिरकार वो मर के ही जियोयान को भूल सकती है। उसे आज भी जियोयान याद था और वो हर टाइम पे ही जियोयान को याद किया करती थी। तभी आसमान से वो ह्यूमन फिगर जो कि काफ़ी स्पीड के साथ आ रही थी क्यून मेडुसा के सामने आसमान में अपेयर होती हैं और वो तुरंत ही पूरे फोर्ट को घेर लेती हैं चारों तरफ से। इसके बाद उनमें से एक लीडर जो होता है जिसकी पावर काफ़ी ज़्यादा होती है और उसके पास एक गोल्डन ब्लेड भी होता है, क्यून मेडुसा की तरफ देखते हुए कहता है कि क्यून मेडुसा तो तुमने आखिरकार क्या सोचा है, क्या तुम हमारे सामने सरेंडर कर रही हो या फिर आप अपनी मौत को बुलाना चाहती हैं। क्यून मेडुसा उन सभी को देखती है तो उसके फेस इंप्रेशन बिल्कुल भी चेंज नहीं होते, आखिरकार उसने इन चीज़ों को काफ़ी बार फील किया था। साथ ही साथ वो यंग अलायंस का मैनेजमेंट तो करती ही थी, वो स्नेक ट्राइब की क्वीन भी थी, इसीलिए उसे इस चीज़ से बिल्कुल भी डर नहीं लग रहा था। वो बिना झिझके कहती है कि यंग अलायंस के पास सिर्फ ऐसे ही वॉरियर हैं जो कि अपनी जान दे सकते हैं लेकिन सरेंडर नहीं कर सकते। क्यून मेडुसा की बात सुनकर उस लीडर को काफ़ी ज़्यादा बुरा लगता है और वो गुस्से में क्यून मेडुसा की तरफ देखते हुए कहता है कि आपका यान अलायंस काफ़ी ज़्यादा गलत काम कर रहा है, इससे आप सभी लोग मारे जाएंगे, लेकिन अगर आप लोग हमारे एग्रीमेंट पे एग्री हो जाते हैं तो इससे आप सभी लोग जिंदा बच सकते हैं। हालांकि क्यून मेडुसा उसको पूरी तरीके से इग्नोर कर देती और कहती है कि फॉर्मेशन को क्रिएट करो। क्यून मेडुसा की आवाज़ को सुनते ही सभी एल्डर तुरंत ही अपनी फॉर्मेशन क्रिएट करने लगते हैं, जिसके बाद उस किले के चारों तरफ एक एनर्जी बैरियर बनने लगता है जो कि काफ़ी ज़्यादा पावरफुल लग रहा था। इसके बाद क्यून मेडुसा दूसरी बार कहती है कि सभी ऑर्चर्स रेडी हो जाएं, और उसके इतना कहते ही सभी सोल्जर्स अपने अपने बोस को खींच लेते हैं जो कि काफ़ी ज़्यादा पावरफुल लग रहे थे। साथ ही साथ इनके जो तीर थे उन्हें काफ़ी ज़्यादा मेडिकल इन्ग्रीडियंट से मिला के बनाया गया था जो कि काफ़ी ज़्यादा पावरफुल थे,
और डू लिंग और डू बांग लेवल और डू हुआंग लेवल के वॉरियर्स को ये काफ़ी ज़्यादा हैविली इंजर्ड कर सकते थे और मार सकते थे। तभी अचानक से एक वॉइस आती है, सी तियान तुम क्या बकवास कर रहे हो, अगर तुम्हें वो यंग लेडी पसंद है तो उसे पकड़ कर हम तुम्हें दे देंगे जब ये किला गिर जाएगा तो, लेकिन अगर तुम्हारी इस बकवास के चक्कर में जियो क्लेन का एक भी मेंबर बच गया तो इसके जिम्मेदार तुम होगे और वो कीमत तुम चुका नहीं पाओगे। सी तियान जैसे ही उसकी आवाज़ सुनता है तो वो काफ़ी ज़्यादा घबरा जाता है और डर कर उसी दिशा पर देखता है जहाँ से यह वॉइस आई थी। तो वहाँ पे एक ब्लैक कलर की ह्यूमन फिगर खड़ी हुई थी जिसके आसपास काफ़ी सारी सोल बॉडीज घूम रही थी और ये हॉल ऑफ सोल का नौमा तियाजुन होता है जिसने फॉलिंग स्टार पवेलियन पे भी अटैक किया था। तभी सी तियान स्माइल करते हुए कहता है कि आपको ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, प्रेजेंट टाइम का यान अलायंस चाहे कितना भी बड़ा क्यों ना हो आखिरकार हमारी पावर से इसे 2 मिनट में ख़त्म कर देना कोई भी मुश्किल काम नहीं होगा। तभी नौमा तियाजुन कहता है कि अगर कुछ भी गलत होता है तो इसके जिम्मेदार तुम होगे। उनकी बात सुनकर सी तियान के तो चेहरे के होश ही बदल जाते हैं और तुरंत वो अपने वॉरियर्स की तरफ इशारा करता है और वो मेडूसा से कहता है कि क्यूर मेडूसा अब तुम बहुत पछताने वाली हो, और इसके बाद वो कह देता है अटैक। सी तियान की आवाज़ सुनकर सभी आर्मी जाकर सीधे उस फॉर्मेशन से टकराने लगते हैं और अटैक स्टार्ट कर देते हैं। ये देख कर यान अलायंस के सोल्जर भी काफ़ी ज़्यादा डर गए थे, हालाँकि वो अभी भी फाइट कर रहे थे क्योंकि उनके पास कोई दूसरा ऑप्शन नहीं था। तभी सी तियान कहता है कि सिनर्जी बैरियर को तोड़ो। उसकी आवाज़ सुनते ही काफ़ी सारे एनर्जी प्लेयर्स को क्रिएट करके काफ़ी सारे एल्डर्स उस एनर्जी बैरियर की तरफ अटैक कर देते हैं जिसके कारण एनर्जी बैरियर में काफ़ी ज़्यादा मूवमेंट होने लगती है, जिस पे कैन मेडूसा कहती है कि आर्चर्स जो डू बांग लेवल के ऊपर के एल्डर्स हैं उन पे तुम सभी लोग अटैक कर दो। क्यून मेडूसा की आवाज़ सुनते ही सभी लोग अटैक कर देते हैं। हालाँकि काफ़ी सारे एल्डर्स तो बच गए थे इस अटैक से, लेकिन काफ़ी सारे इससे अपनी जान भी गंवा चुके थे। ये लड़ाई अब तक काफ़ी ज़्यादा आइकॉनिक लेवल की आ गई थी जहाँ पे लोगों को अपनी लाइफ और डेथ की भी परवाह नहीं थी। कंटिन्यू हो रहे एनर्जी बैरियर पे अटैक के कारण एनर्जी बैरियर में फ्लैक्चुएशन काफ़ी ज़्यादा फास्ट हो गए थे, जिसे देखकर सी तियान कहता है कि ये अब टूटने ही वाला है। और इसी के साथ सी तियान इशारा करता है जिसके बाद उसके पीछे से 30+ डू जोन लेवल के वॉरियर्स निकलते हैं। डू जोन लेवल के वॉरियर्स हैं ये। हालांकि जो टोटल लोग वहां से निकल के आए थे वो 100 लोग थे, जिसमें से 30 लोगों की पावर काफ़ी ज़्यादा थी। उन 100 लोगों को देखकर अब तक क्यून मेडूसा और बाकी लोगों के होश काफ़ी ज़्यादा गायब हो गए थे और वो काफ़ी ज़्यादा परेशान भी हो गए थे क्योंकि उन्हें पता था कि यह डिसाइडिंग होने वाला होगा। अब वो 100+ ह्यूमन फिगर तुरंत उस लाइट बैरियर की तरफ आती हैं जो कि उस फॉरेस्ट को सेव करके रखे हुए थी, और तुरंत अपनी डुई की पावर को चार्ज करती हैं। वो सभी लोग अपनी पावर का यूज करके एक एनर्जी बीस्ट को क्रिएट करते हैं जो कि जाकर सीधे लाइट बैरियर से टकरा जाता है। ये देखकर सभी लोग काफ़ी ज़्यादा शॉक्ड हो गए थे क्योंकि उन्हें पता था कि ये एनर्जी बीस्ट काफ़ी ज़्यादा पावरफुल है। एक दो टक्कर के बाद ही वो एनर्जी बैरियर को तोड़ देता है, जिसके बाद एक तेज धमाका होता है और सभी यान अलायंस के लोगों के चेहरे पीले पड़ गए थे। एनर्जी बैरियर को टूटता देख कर कैलिन तुरंत अपनी मुट्ठी बांध लेती है और फिर पीछे मुड़कर कहती है कि नॉर्थ वेस्ट एरिया काफ़ी ज़्यादा बड़ा हो सकता है, लेकिन हमारे पास पीछे हटने का कोई भी रास्ता नहीं है क्योंकि पीछे हमारा साम्राज्य है, हमारे लोग हैं, हमारी ज़मीन है, और अगर हम पीछे हटे तो ये सब लोग उस हर एक चीज़ को ख़त्म कर देंगे। इसीलिए अगर तुम लोग अभी भी अपने चीज़ों को बचाना चाहते हो तो अपने हथियार उठा लो और तब तक लड़ो जब तक तुम्हारे बॉडी में जान है। क्यून मेडूसा की बात सुनकर सभी सोल्जर की आँखें लाल हो जाती हैं और वो तुरंत ही अपनी अपनी तलवारें खींच लेते हैं और नारे लगाने लगते हैं। एनर्जी बैरियर को टूटता देखकर सी तियान स्माइल करता है और अपने एल्डर्स को कह देता है कि अटैक करो, जो कि डू वांग्स या डू हुआंग्स लेवल के थे, साथ ही साथ उनमें डू हुआंग लेवल के वॉरियर्स भी थे। तभी क्यून मेडूसा भी अपनी 7 कलर की स्लॉट को निकाल कर आगे की तरफ बढ़ती है, जिसके कारण काफ़ी सारे यान अलायंस के एल्डर्स भी बढ़ जाते हैं और जाकर लायंस एक्ट से फाइट करने लगते हैं। क्यून मेडूसा के एक अटैक से ही काफ़ी सारे डू हुआंग और डू बांग और डू लिंग लेवल के वॉरियर्स तुरंत ही कट के 2 टुकड़ों में डिवाइडेड हो गए थे। इसके बाद क्यून मेडूसा लिटिल फेरी डॉक्टर की तरफ देखते हुए कहती है कि मैं जियो जियो को तुम्हें देकर जा रही हूँ, इसकी सेफ्टी की जिम्मेदारी अब तुम्हारी होगी, इसका ख्याल रखना। लिटिल फेरी डॉक्टर ने भी कैलिन को पहली बार ऐसे बात करते हुए सुना था, वो समझ गई थी कि ये लेडी अब और भी ज़्यादा मैच्योर हो गई है माँ बनने के बाद। तभी अचानक से एक प्यारी सी वॉइस आती है, मम्मी, जो कि लिटिल जियो जियो की होती है। ऐसा लग रहा था जैसे उसने दोनों टीम्स के बीच का डिफरेंस पता कर लिया हो।
और उसे पता हो कि आखिरकार यहाँ पे क्या होने वाला है, इसीलिए वो क्यून मेडुसा को ही देख रही थी। उसकी बात सुनकर कैलिन धीरे से जियो जियो के सिर पे हाथ फेरती और कहती है कि वी ओविडेंट, डरो मत, मम्मी थोड़ी देर आकर तुम्हें ढूंढेगी। जिसके बाद वो स्माइल करती है और जियो जियो को क्यून मेडुसा को दे देती है, सॉरी लिटिल फेरी डॉक्टर को दे देती है। और इसके बाद तुरंत अपनी पावर को चार्ज करते हुए मुड़ती है। क्यून मेडुसा को अपनी पावर चार्ज करते ही डू बांग्स लेवल के वॉरियर तुरंत ही खून में बदल जाते हैं। इसके बाद क्वीन मेडुसा सीतियान को चैलेंज करते हुए कहती है कि सीतियान, क्या तुम आगे बढ़कर इस क्वीन से फाइट करने की हिम्मत करते हो? जिस पे सीतियान स्माइल करते हुए कहता है कि हाँ हाँ, मैं इतनी ब्यूटीफुल लेडी के इनविटेशन को कैसे एक्सेप्ट नहीं करूँगा। इसके बाद वो अपना सुनहरा ब्लेड निकालता है और क्वीन मेडुसा के सामने अपेयर हो जाता है। वो क्यून मेडुसा से काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्ट हो गया था और उसके दिल में सिर्फ इंटीमेट होने के ही थॉट्स चल रहे थे। वो बस यही सोच रहा था कि क्यून मेडुसा सच में काफ़ी ज़्यादा ब्यूटीफुल है और जुयान की काफ़ी अच्छी किस्मत थी कि ये उसे मिल गई, लेकिन इस बार मैं इसे छीन लूँगा और इसके बाद ये मेरी होगी। सीतियान की बात सुनकर क्यून मेडुसा बिल्कुल भी टाइम वेस्ट नहीं करती और अपनी तलवार निकाल कर सीधे उस पर अटैक करने लगती है। हालाँकि वो उसके अटैक से काफ़ी अच्छी तरीके से डॉच कर रहा था, साथ ही साथ अब तक जियो क्लेन भी सॉरी यान अलायंस भी अब तक काफ़ी बड़ी लड़ाई में कूद चुका था और वो लोग भी अब फाइट में काफ़ी लंबे तरीके से चले गए थे। लंबे तरीके से मतलब है वो इस लॉन्ग बैटल में अब आखिरकार फाइट करने के लिए चले गए थे। नौवा तिया जो इस फाइट को देख रहा था दूर से और वो स्माइल भी कर रहा था, और उसकी स्माइल करने की बजाय वो सिर्फ सोल बॉडी थी जो कि उन सोल से निकल रही थी और वो उन्हें ऑब्जॉर्व करता जा रहा था। वो कहता है कि इस फाइट को कंटिन्यू रखो, आखिरकार जितनी ज़्यादा मौतें होंगी उतना अच्छा होगा। इसके बाद हमें लिटिल फेरी डॉक्टर दिखाई जाती है जो कि जियो जियो को गले पे लगाए हुए थी। तभी उस पर एक वॉरियर अटैक करने के लिए आता है और लिटिल फेरी डॉक्टर अपनी पावर को चार्ज करते हुए उसे तुरंत ही मार देती है। इसके बाद वो डुई कुई को अपनी बॉडी में वापस से ऑब्जॉर्व करके जियो जियो को अपने कंधे से सटाती है और आसपास देखती है। वो समझ गई थी कि इस पूरी फाइट में यान एलायंस को काफ़ी ज़्यादा नुकसान होने वाला है। वो इस फाइट को जीत तो नहीं सकते लेकिन कुछ टाइम के लिए उन्हें ब्लॉक कर सकते हैं। साथ ही साथ उसने देखा था कि अब तक लायंस एक्ट को काफ़ी ज़्यादा प्रॉफिट हो गया है और वो फोर्ट के अंदर भी आ चुके हैं। तभी अचानक उसे एक आवाज़ आती है कि जिज्जी सिस्टर को कहा जाता है आई थिंक। ये वॉइस क्यून मेडुसा की होती है जो कि कहती है लिटिल फेरी डॉक्टर, आपको जियो जियो को लेकर यहाँ से चला जाना चाहिए क्योंकि हम ज़्यादा देर तक इस फाइट को ब्लॉक नहीं कर पाएंगे। हालांकि ये वॉइस लिटिल क्यून मेडुसा की नहीं होती है बल्कि यह वॉइस किंग लिन की होती है, जिसने पहले से ही काफ़ी सारे पावरफुल वॉरियर्स को बुला लिया था जिन्हें वो बुला सकती थी। हालांकि किंग लिन की आवाज़ अभी सुनाई ही दी थी कि तभी अचानक से एक और आवाज़ आती है जो कि कहती है कि तुम लोग यहाँ से जाने का सोच रहे हो। और इसके बाद हवा में काफ़ी सारी ह्यूमन फिगर्स प्रेजेंट होती हैं जो कि एलाइड डू जून लेवल के थे। लिटिल फेरी डॉक्टर भी काफ़ी ज़्यादा सीरियस हो जाती है जब वो एलाइड डू जून लेवल के वॉरियर्स को देखती है और कहती है कि आखिरकार उन्होंने इनका यूज करना स्टार्ट कर दिया है। किंग लिन उन सभी को देख कर कहती है कि ये 3-स्टार डू जून लेवल के वॉरियर्स हमसे ऐसे बात कर रहे हैं। और इसके बाद वो अपनी डुई कुई को चार्ज करने ही वाली थी कि अचानक से उन्हें काफ़ी सारे एलाइट डू जून लेवल के वॉरियर चारों तरफ से घेर लेते हैं। तभी अचानक से एक आवाज़ आती है कि लिटिल फेरी डॉक्टर, आपको यहाँ से जाना चाहिए और जियो जियो को भी अपने साथ ले जाइए। ये वॉइस तियान वो जुंजे की होती है। जब उन्होंने देखा कि किंग लिन उन एलाइट डू जून लेवल के वॉरियर्स को ब्लॉक कर रही है तो उन्होंने इसीलिए कहा था कि तुम यहाँ से निकल जाओ, क्योंकि उन्हें पता था कि किंग लिन इन्हें ज़्यादा टाइम तक रोक नहीं पाएगी। तियान वो जुंजे की बात सुनकर लिटिल फेरी डॉक्टर ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करती है और काफ़ी स्पीड के साथ उस फोर्ट के अंदर की तरफ जाने लगती है, जिसके बाद उसका सपोर्ट करने के लिए दो लोग आ जाते हैं जो कि यान सेक्ट के डूजून लेवल के वॉरियर थे। हालांकि वो यहाँ पे सिर्फ कुछ ही देर तक रुक सकते थे क्योंकि उन्हें भी फाइट में हेल्प करने के लिए जाना था। यहाँ पे लिटिल फेरी डॉक्टर जैसे ही भाग रही थी कि अचानक उसके सामने धुआं फैल जाता है और दो काली काली जंजीरें जियो जियो की तरफ बढ़ती हैं, जिन देखकर लिटिल फेरी डॉक्टर काफ़ी ज़्यादा डर जाती है। लिटिल फेरी डॉक्टर अब तक काफ़ी ज़्यादा नाराज़ हो गई थी जब उसने देखा कि इस ओल्ड एल्डन ने बच्चे पर हमला किया है, तो वो तुरंत अपनी डुईकोई को चार्ज करती है और उस पर एक अटैक करती है, और जिसके बाद वो पीछे भागने लगती है। तभी वो ओल्ड एल्डर कहता है कि आप कहाँ तक भागेंगी, और इसके बाद वो एक पावरफुल प्लाम अटैक लिटिल फेरी डॉक्टर की तरफ करता है। लिटिल फेरी डॉक्टर के ऊपर दो कुलीन डू जून्स लेवल के वॉरियर्स ने एक साथ अटैक किया था,
ये देखकर लिटिल फेरी डॉक्टर तुरंत जियोली की तरफ जियो जियो को फेंकते हुए कहती है कि जियोली उसे पकड़ो, जिसके बाद उसकी बॉडी में पूरी पॉइजन डुई कोई फैल जाती है और वो उन दोनों के अटैक को अपनी बॉडी में ले लेती है। जियोली जैसे ही देखता है कि लिटिल फेरी डॉक्टर पे दो तरफ से अटैक हुआ है और जियोली को जियो जियो दिखाई देती है जिसे कि उसकी तरफ फेंका गया था, तो जियोली तुरंत ही जियो जियो की तरफ कूदता है और वो उसके पास पहुँच कर जियो जियो को पकड़ने ही वाला होता है कि तभी अचानक से उसकी बॉडी पे एक अटैक होता है और वहाँ पे एक ह्यूमन फिगर पर प्रेजेंट होती है जो कि वो जियो जियो को पकड़ लेती है। ये देखकर जियोली की आंखें लाल हो जाती हैं कि उसने पीछे से हमला किया था और जियो जियो को भी पकड़ लिया था। वो ओल्ड मैन तुरंत ही जियो जियो को पकड़ने के बाद स्माइल करता है। अब तक कैलिन जो कि वहाँ पे सीथियन के साथ फाइट कर रही थी, ये देखकर उसका चेहरा भी तुरंत ही पीला पड़ जाता है। वो ओल्ड मैन जिसने कि जियो जियो को पकड़ा था तुरंत कहता है कि मेडूसा जल्दी से सरेंडर करो वरना फिर आगे जो होगा उसकी जिम्मेदार तुम होगी। वो काफ़ी बुरी तरीके से क्यों मेडूसा की तरफ देख रहा था और जियो जियो पर वो हमला करने ही वाला था कि अचानक से उसका पूरा शरीर कांप जाता है और उसकी हड्डियां तुरंत ही टूटने लगती हैं। उसे ऐसा लग रहा था जैसे कोई उसे दबा रहा हो। और इसके बाद उसके सामने एक अचानक से ब्लैक ह्यूमन फिगर प्रेजेंट होती है जिसे कि वो नहीं जानता था, जो कि उसके हाथों से जियो जियो को ले लेती है और उसके गले की हड्डी को तोड़ते हुए उसे मार कर दूर फेंक देती है। और इसके बाद वो जियो जियो को अपने गले लगा लेता है और स्माइल करता हुआ सिर उठाकर चारों तरफ देखता है और फिर क्यून मेडूसा की तरफ देखकर कहता है, मुझे माफ़ करना, मुझे आने में थोड़ी देर हो गई। ऑब्वियसली यार ये अपना हीरो जियो यान था। ये देखकर तभी लोग स्माइल करते हुए कहते हैं, जियो यान तीसरा भाई अलायंस चीफ। जियो यान के आ जाने के बाद तो ऐसा था जैसे कि डूबते को तिनके का सहारा मिल गया हो। सभी लोग काफ़ी ज़्यादा स्माइल कर रहे थे और वो काफ़ी ज़्यादा खुश भी हो गए थे क्योंकि उन्होंने जिसे देखा था वो उसकी पावर को अच्छी तरीके से जानते थे। हालांकि जियान स्माइल करके कुछ बोलने ही वाला था कि तभी उसे फील होता है कि कोई उसके पीछे से अटैक कर रहा है, जिसके बाद सभी लोग चिल्लाते हैं कि जियान। हालांकि वो लोग ऐसा कह पाते और वो एल्डर जियान पर अटैक कर पाता, इससे पहले ही वो तुरंत अपने मुँह से खून थूकता है और तुरंत पीछे की तरफ सूट हो जाता है और वहीं के वहीं मर जाता है। उनमें से कोई भी ये देख ही नहीं पाया था कि जियान ने आखिरकार अटैक किया कब था। साथ ही साथ जियान ने भी पीछे मुड़कर नहीं देखा कि उस डूजून लेवल के वॉरियर की हालत क्या हो गई है। इसके बाद जियान चारों तरफ देखता है कि उसके यान हेलाइन की हालत काफ़ी ज़्यादा ख़राब हो गई है, तो वो अपना हाथ उठाता है और कहता है कि अटैक करो। जियान कैसे ही इशारा करते हुए अचानक से एनर्जी का फ्लक्चुएशन काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाता है और एक जगह से काफ़ी पावरफुल ऑरा फील होने लगता है, जिसके बाद काफ़ी सारे एनर्जी के बॉल्स या कि एनर्जी की किरणें उस एरिना की तरफ शूट हो जाती हैं जहाँ पे यह फाइट चल रही थी। ये देखकर सभी के होश उड़ जाते हैं और वो एक साथ कहते हैं, एलाइड डू जून यान अलायंस के वॉरियर और साथ ही साथ लाइन अलायंस के वॉरियर दोनों ही शॉक्ड थे जब उन्होंने देखा कि ये जो ग्रुप आया था इसमें सिर्फ और सिर्फ एलाइड डू जून ही थे, इसके अलावा और कोई नहीं था। ये लाइनअप सच में काफ़ी ज़्यादा पावरफुल था। जियो डिंग, हाई वॉडोंग, जियो ली, सभी लोग काफ़ी ज़्यादा शौक थे जब उन्होंने देखा कि वहाँ पे 30 प्लस लोग हैं जो कि डूजून लेवल के हैं। हाई वॉडोंग कहते हैं कि जियो यान से मिले हुए मुझे काफ़ी ज़्यादा टाइम हो गया है, मुझे अब भी नहीं पता कि ये किस लेवल पर पहुँच गया होगा। सभी लोग बस जियो यान को ही देख रहे थे और उन्हें काफ़ी ज़्यादा शौक भी लगा था। उन्हें पता था कि लाइन सेट काफ़ी ज़्यादा पावरफुल है और उन्हें हरा पाना आसान नहीं होगा, लेकिन जब उन्होंने जियो यान को देखा तो उन्हें काफ़ी ज़्यादा सिक्योर फील हो रहा था, जैसे कि उन्हें भरोसा हो कि जियो यान उन्हें इस प्रॉब्लम से बड़ी आसानी से निकाल लेगा। तभी अचानक हमें एक आवाज़ सुनाई देती है जो कि उन्हीं ग्रुप से आई थी जैसे कि जियो यान लेके आया था, और उनमें सबसे पावरफुल एल्डर जिनका नाम एल्डर हु था, वो कहते हैं कि चलो चलो हम भी तो देखें कि आखिरकार नॉर्थ वेस्ट साइड पर कितने ज़्यादा पावरफुल डूजूंस हैं, जिसके बाद वो सभी लोग प्रोफाउंड लाइन सेक्ट के वॉरियर्स की तरफ सूट हो जाते हैं और तुरंत अपनी डुईकुई को चार्ज कर देते हैं। उनकी डुईकुई की पावर ने पूरे किले को भी हिला दिया था। हालांकि जियान इस स्थिति को देखकर स्माइल करता है क्योंकि अब पूरी पावर यान सेक्ट के फेवर में थी। इसके बाद जियान वहाँ से नज़रें हटाकर उस लड़की को देखता है जो कि अभी भी उसकी गोद में थी। जियान उससे बड़े प्यार से पूछता है कि तुम्हारा नाम क्या है, जिस पे उसे प्यारी तोतली आवाज़ में कहती है कि मेरा नाम जियो जियो है। जियो यान उसे देखकर काफ़ी ज़्यादा खुश हो रहा था, हालांकि वो नहीं जानता था कि ये कौन है, लेकिन उसे फील हो रहा था
ये कोई अपना ही है, क्योंकि ब्लड लाइन भाई, ब्लड लाइन, यहाँ पे ब्लड लाइन से सबको पता चल जाता है कौन किसका है। इसीलिए जियो यान, जियो जियो को कोई भी डर नहीं लग रहा था, क्योंकि उसे लग रहा था कि जियो यान उसका रिलेटेड ही है, और इसीलिए वो जियो यान के लिए काफ़ी ज़्यादा फैमिलियर तरीके से ही बात कर रही थी, ना कि बिना डरे। हालांकि जियो जियो ने जो आंसर जियो यान को दिया था वो थोड़ा सा डरते डरते ही दिया था, क्योंकि आखिरकार उसने अपने आसपास जो चीज़ें देखी थी उससे वो काफ़ी ज़्यादा घबराई हुई थी। जियो यान उसे देखकर काफ़ी ज़्यादा खुश होता है और स्माइल करते हुए कहता है, क्या तुम्हें पता है कि मैं कौन हूँ? और इसके बाद धीमे से उसकी नाक को भी खींचता है। जियान की बात सुनकर लिटिल जियो जियो जियान की तरफ देखती है और काफ़ी ज़्यादा सीरियस हो जाती है, और इसके बाद काफ़ी प्यारी सी आवाज़ में जियान की तरफ देखकर कहती है, क्या आप पिता हैं? क्या आप मेरे फादर हैं? जियो यान के कान में जैसे ये वर्ड इंटर होते हैं, जियो यान अचानक से बेवजह ही स्माइल करने लगता है। साथ ही साथ जियान की फीलिंग्स भी काफ़ी ज़्यादा अलग थी इस टाइम पे, और उसकी स्माइल भी काफ़ी ज़्यादा अलग थी। जियान उसको खिलाते हुए कहता है कि अच्छी लड़की। हालांकि जियो यान अभी जियो जियो से बात कर ही रहा था कि अचानक उसे पीछे से आवाज़ आती है कि आखिरकार आप आ ही गए, जिसके बाद जियान तुरंत मुड़ के देखता है तो उसे व्हील चेयर पे अपने सेकेंड ब्रदर, फर्स्ट ब्रदर और सेकेंड ब्रदर दिखते हैं। जियान उन्हें देख कर कहता है, बड़े भाई, दूसरे भाई, आप दोनों कैसे हैं? जिसके बाद वो लोग जियान को देखकर स्माइल करते हुए कहते हैं कि हम ठीक हैं, आप? जिस पे जियान भी कहता है कि मैं ठीक हूँ। तभी वो सभी लोग कहते हैं कि ये काफ़ी ज़्यादा अच्छा है कि तुम यहाँ पे आ गए, अगर थोड़ी और देर हो जाती तो पता नहीं यहाँ पे क्या होता। तभी अचानक से एक जानी पहचानी सी वॉइस आती है जो कि कहती है, हाँ, अलायंस चीफ, आप काफ़ी अच्छी तरीके से अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को समझते हैं और आप सही टाइम पर आए हैं। उस वॉइस को सुनकर जियान तुरंत ही अपना सिर हिलाता है और देखता है कि वो कौन थे। तो जियान को वहाँ पे आइस एम्परर दिखाई देते हैं, साथ ही साथ उनके साथ फामा और पिल एम्परर गुहे भी थे। जियान जैसे ही उन्हें देखता है कि तभी अचानक से एक आवाज़ आती है जियो जियो, जो कि काफ़ी ज़्यादा सॉफ्ट होती है, और वो जियोयान से जियो जियो को खींच कर अपनी गोद में ले लेती है। साथ ही साथ वो काफ़ी ज़्यादा डरी हुई थी, क्योंकि उसे पता था कि अगर यहाँ पे थोड़ी और देर होती तो क्या हो जाता, और ये और कोई नहीं क्यून मेडूसा होती है, जो कि जियोयान से नाराज़ दिखाई दे रही होती है। जियोयान क्यून मेडूसा को देखता है जियोयान क्यून मेडूसा को देखता है जो कि गुस्से में और भी ज़्यादा ब्यूटीफुल लग रही थी, और फिर उसे देखकर कहता है, कैलिन। जियोयान की बात को सुनकर क्यून मेडूसा की बॉडी तुरंत ही फ्रीज सी हो जाती है, और फिर वो अपनी सिर को उठाकर जियोयान की तरफ देखते हुए काफ़ी ज़्यादा गुस्सा होती है और कहती है कि मुझे तो लगता था कि तुम नहीं आओगे। और साथ ही साथ वो जियो जियो के सिर पे हाथ भी फेर रही थी। कैलिन की बात में कुछ गुस्सा और कुछ शिकायतें थी, जिसे कि उसने जियान से कहा था, मतलब उसके कहने के तरीके से ऐसा पता चल रहा था। आखिरकार ना केवल उसने जियो जियो की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को उठाया था, बल्कि उसके साथ साथ उसने यान अलायंस को भी काफ़ी अच्छी तरीके से हैंडल किया था, जो कि उसके लिए काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम वाला था। या सीधे शब्दों में कहूँ तो जियो यान के कारण ही ये दोनों बोझ उसके सिर पर आए थे। जियो यान ना होता तो जियो जियो ना होती, और ये यान सेक्ट भी ना होता, और बेचारी आराम से जीती जिंदगी। तभी जियो ली इस मैटर को देखते हुए बोलता है कि तीसरे भाई, भाभी ने इन बरसों में काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम्स को सहा है, इसीलिए आपको आगे चलकर उन्हें बिल्कुल भी निराश नहीं करना चाहिए, वरना मैं और बड़े भाई सबसे पहले आपका विरोध करेंगे। और वैसे भी आपकी हरकतें बिल्कुल भी सही नहीं हैं, आपको उनके साथ ऐसा नहीं करना चाहिए था। जियोली की बात से सभी लोग एग्री हो जाते हैं, जिसमें हाई बॉर्डोंग में बहुत सारे लोग होते हैं, क्योंकि उन्हें पता था कि कैलिन ने कितने सारे स्ट्रगल किए थे यान अलायंस को इस्टेब्लिश करने के लिए। उन सभी की तरफ देखने के बाद जियो यान कैलिन की तरफ देखता है, वो अपने दिल में उससे माफ़ी ही मांग रहा होता है, और फिर अचानक से दो कदम आगे बढ़ाकर क्यून मेडूसा की कमर को पकड़ के अपनी तरफ खींचता है और उसके गले लग कर कहता है कि मुझे माफ़ कर दो, सच में ये तुम्हारे लिए काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम वाला रहा होगा। जियो यान की बात सुनकर कैलिन फील कर सकती थी कि उसकी आंखों से आंसू बह रहे हैं और वो रो रही है। किसी ने भी नहीं सोचा रहा होगा कि इतनी ज़्यादा स्ट्रांग दिखने वाली महिला कभी रो भी सकती है। हालांकि वो चाहे कितनी भी स्ट्रांग क्यों ना हो, आखिरकार वो एक लेडी ही थी जो कि अब एक बेटी की माँ भी बन चुकी थी। उसके दिल में काफ़ी सारी शिकायतें थी कि जियोयान जब आएगा तो वो ये कहेगी, वो कहेगी। हालांकि जैसे ही जियोयान ने ये दो वर्ड्स कहे, उसकी सारी शिकायतें अचानक से गायब हो गई थी। उसने ना चाहते हुए भी जियोयान को माफ़ कर दिया था,
लेकिन वो तुरंत हार्ड होते हुए कहती है कि तुम ये मत सोचो कि मैं तुम्हें छोड़ दूंगी, क्योंकि हम सभी को पता है कि क्यून मेडुसा कितनी जिद्दी है, इसीलिए वो जियान को भला ऐसे तो नहीं छोड़ सकती थी। इसीलिए वो तुरंत जियान के गले से बाहर निकलती है और उसके बाद सामने खड़े होते हुए उसका चेहरा पूरी तरीके से लाल हो गया था। हालांकि यान अलायंस में उसे काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग माना जाता था, इसीलिए वो जियान के गले लगकर छोटी सी और डरपोक नहीं दिखना चाहती थी। तभी जियान कहता है कि अब तुम्हें कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है, मैं यहाँ आ गया हूँ ना, अब बाकी सब तुम मुझ पर छोड़ दो। अब ये सीन मुझे बिल्कुल भी समझ में नहीं आया है जो अभी मैंने एक्सप्लेन किया जियान और क्यून मेडुसा का। अब इसमें रोना है कि रोमांस है कि ड्रामा है कि क्या है, मतलब क्या है, लेकिन जो भी है अच्छा है। इसके बाद जियान जियो जियो को किस करते हुए कहता है कि बेटा तुम अपनी मॉम के पास रहो, जिस पे जियो जियो भी स्माइल करते हुए कहती है कि ठीक है फादर, आप अपना बैठ देना। जियान जैसे ही उस तरफ आगे बढ़ने वाला था कि तभी पीछे से आवाज़ आती है जो कि क्यून मेडुसा की होती है, और वो कहती है ध्यान से, वहाँ पे काफ़ी सारे डू जून्स लेवल के वॉरियर हैं। उसे जियान की काफ़ी ज़्यादा फिक्र हो रही थी। तभी जियान हवा में कदम रखता है और धीरे धीरे उसी तरफ जाने लगता है जहाँ पे वो गोल्डन हेयर वाला आदमी खड़ा हुआ था। सी तियान जियान की तरफ देखकर कहता है, आप जियान हैं, यान अलायंस के चीफ। आखिरकार उसने जियान को क्यून मेडुसा को गले लगाते देखा था, इसीलिए उसे काफ़ी ज़्यादा जेलसी भी फील हो रही थी। भले ही अब तक वो ये फाइट नहीं जीता था, लेकिन उसने पहले ही क्यून मेडुसा को अपना मान लिया था, इसीलिए कोई दूसरा उसे टच करे उसे वो बर्दाश्त नहीं हो सकता था। हालांकि जियान को इसके बारे में कुछ भी पता नहीं था, इसीलिए वो उसकी बात को पूरी तरीके से इग्नोर कर देता है। जियान के ऐसे रिएक्शन को देखकर वो काफ़ी ज़्यादा नाराज होता है और अपने गोल्डन ब्लेड से जियान के सिर पर अटैक करता है। तभी पीछे से आवाज़ आती है जो कि कैलिन की होती है कि ध्यान से, वो प्रोफाउंड लाइन सेक्ट का चीफ है और उसकी पावर 6 स्टार डूजून लेवल पर है। हालांकि जियान अब तो मूवमेंट करता है ना ही उसके फेस के इंप्रेशन चेंज होते हैं और वो ब्लेड जियान से जाकर टकराती है, लेकिन फिर भी जियान आधा कदम तक पीछे नहीं हटा था। ये देखकर वो कहता है कि यह कैसे हो सकता है, यहाँ तक कि अकेले सी तियान बस सी सॉक नहीं था, वहाँ पे खड़े हर एक आदमी के फेस के इंप्रेशन ऐसे ही थे कि जियान ने आखिरकार इतने पावरफुल अटैक को डॉच कैसे कर लिया। लेकिन तभी जियान अपना सिर उठाता है और अपने हाथ को सामने करता है, जिसमें कि एक पावरफुल फ्लेम का अटैक तुरंत ही क्रिएट होने लगता है, जिसमें काफ़ी सारी फ्लेम्स इकट्ठी होने लगती है। और इसके बाद जियान सीधे उसे सी तियान की तरफ शूट कर देता है। जैसे ही वो अटैक सी तियान से टकराता है, उसकी डुई कुई बैरियर जो कि उसके लिए एक प्रोटेक्शन आर्मर क्रिएट कर रहे थे, तुरंत ही कागज़ की तरह दूर हो जाते हैं। साथ ही साथ उसके सारे कपड़े भी जल जाते हैं और वो तुरंत खून की उल्टियाँ करते हुए जलते हुए शरीर के साथ काफ़ी पीछे तक उड़ता हुआ जाता है और फिर सीधे ज़मीन से टकराता है। यान अलायंस के लोग तो अब काफ़ी ज़्यादा रिलैक्स फील कर रहे थे जब जियान को उन्होंने फर्स्ट अटैक को देखा, जिससे प्रोफाउंड लाइन सेक्ट के चीफ की तो हालत ही धज्जियाँ उड़ चुकी थी, सॉरी धज्जियों की भी राख हो चुकी थी। इसके बाद जियान ऊपर आसमान की तरफ देखते हुए कहता है कि नौवे तियाजुन, अपने आप को दिखाओ। उस चीफ को ख़त्म करने के बाद जियान अपने आप के सिर को उठाता है और आसमान में काले